हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ विच इज़ एक्ने स्टॉप। सबको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से प्यूबर्टी के समय बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को एक्ने के इश्यूज होते हैं। उस समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, कौन सा यूज़ नहीं करें, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, कौन सा नहीं करें। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फेस वॉश हमें चूज़ करना है, बेस्ट अपना एक्ने के लिए कौन सा फेस वॉश हमें चूज़ करना है, कैसे करना है, उसके क्या एक अच्छे फेस वॉश जो एक्ने प्रिवेंट करता है या मॉइस्चराइजर क्रीम जो एक्ने प्रिवेंट करती है उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, जो हमें देखना चाहिए मार्केट में अवेलेबल मॉइस्चराइजर या फेस वॉश में। तो मैं आज आपको पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ये वीडियो को शेयर मारो तो फट से। तो मैं आज आपके पास लेके आया हूँ लैरियल का एक्ने स्टॉप। ओके, दिस इज द मॉइस्चराइजर एंड दिस इज द फेस वॉश, इट्स अ क्लीनिंग जेल। ये कंपनी इंडिया की नहीं है, इट्स अ इम्पोर्टेड ब्रांड और ये है बाहर का है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्ट क्वालिटी इन लोगों ने मेंटेन की है। ओशन ब्यूटी इसके इम्पोर्टर है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीमी फेस वॉश है ये वर्क कैसे करता है। तो ये आपकी जो सीबम प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस जब होता है, लाइक मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो बॉडी में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, स्किन में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सीबम क्या होता है? सीबम सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू एक सीक्रेट एक एजेंट होता है, एक पार्टिकल होता है जो पोर्स जो स्किन के छेद होते हैं उसको भर देता है। अब जब वहाँ पे एक्सेस सीबम बनता है, एक्सेस सीबम बन रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे पोर्स क्लॉग हो गए। पोर्स क्लॉग हो गए, हम बाहर धूप में जाते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पॉल्यूशन डस्ट पार्टिकल स्किन लेयर में आते हैं और वो उसको क्लॉग कर देते हैं। जब स्किन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो वहाँ पे पी एक्ने बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं और जिसके कारण हमको एक्ने आने लगते हैं। तो हमको सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग हमें अपने देखना है अपने फेस वॉश या मॉइस्चराइजर क्रीम में वो ये कि वो सीबम को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें सीबम कंट्रोल करने की क्वालिटी है कि नहीं है। बिकॉज आपने कोई फेस वॉश लगा रहे हो वो जिसके स्किन को ड्राई कर रहा है बट उसमें सीबम कंट्रोल नहीं हो रहा है या वो प्रॉपर एक्ने के बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है तो वो वेस्ट है। या आप देख रहे एक आपने फेस वॉश लिया जो सीबम कंट्रोल कर रहा है, दूसरा फेस वॉश है जो एक्ने के बैक्टीरिया को मार रहा है, तो आप दो दो तीन तीन चीज़ें यूज़ करो। इससे अच्छा है कि एक ऐसी चीज़ यूज़ करो जो आपको ऑलराउंडर रिजल्ट दें। तो ये जो लैरियल का एक्ने स्टॉप है ये एंटी बैक्टीरियल वर्क करता है जो एक्ने बैक्टीरिया उसको किल करता है। इसमें एलो एक्सट्रैक्ट है, जिंक, पीसीए एंड एलेंटोइन है। इसमें चार चीज़ें डाली गई हैं। देखिए अभी आप बोलोगे कि मैंने तो मार्केट में और भी फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी एलेंटोइन है या जिंक है या पीसीए है या फिर उसमें एलो है। अभी आप बोलोगे कि मैं मार्केट में जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं तो मैं ये वाला क्यों लूँ। देखो, होना और इफेक्ट देना दो डिफरेंट चीज़ें। आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा गेमिंग्स चल रहे हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है, सारी कंपनियां कोई ना कोई प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सब कुछ डाल देती हैं, बट रिजल्ट कितना इफेक्टिव है, उसका जो प्रोडक्ट है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितने इफेक्टिवली आपके स्किन में जाके वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर मैंने को देखा है कि सस्ती कंपनियाँ जो बनाती हैं छोटे छोटे सस्ते प्रोडक्ट बनाती हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। टी ट्री ऑयल डाल दिया बट वो टी ट्री ऑयल डालने के बाद वो इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, टी ट्री ऑयल एक्चुअल में टी ट्री ऑयल था या नहीं था या सिर्फ फ्रेगनेंस डाल दी, आपने खुशबू सुनी ओ ये तो टी ट्री ऑयल है मेरा एक्ने खत्म हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कंपनी बिकॉज पोलैंड की कंपनी है और ये सारे इन्हें रूल रेगुलेशन फॉलो करके ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्ने क्रीमी जेल फॉर्म में फेस वॉश का है जो कि एलो एक्सट्रैक्ट इसमें जिंक पीसीए एलेंटोइन एंड जो कि इसमें जेल वॉश में दिया हो गया है। तो आपको करता क्या है, ये बेसिकली क्लींस करेगा, रिफ्रेश करेगा स्किन को। आपके कई बार जो टायर्डनेस होती है चेहरे में वो भी नहीं दिखेगी और जितना भी एक्सेस सीबम है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात, ये आपकी स्किन को सूथ करेगा, इरिटेशन को ख़त्म करेगा और इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है आपको रेड स्पॉट आ रहा है, एक्ने के स्पॉट है, रेड स्पॉट है तो वो भी ये ख़त्म करेगा। ये आपके स्किन की लिपिड बैरियर जो प्रोटेक्शन बैरियर होती है हमारे स्किन में ताकि हमारे स्किन ड्राई ना हो ये उसको भी मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये आपका पीएच बैलेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी स्किन का पीएच होता है 5.3 to 5.5। जब भी हम कोई भी फेस वॉश मार्केट में जो आते हैं हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पीएच को वो अल्कलाइन होते हैं तो हमारे पीएच को डिसबैलेंस कर देते हैं।
ये पीएच बैलेंस क्लींजर है, ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन रखेगा। देखो पीएच मेंटेन, पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, पीएच ही जो हमारी स्किन का एसिडिक पीएच होता है वही हमारी स्किन को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर आपके पीएच गड़बड़ हो जाएगा तो आपके कोई भी बाहर के बैक्टीरिया एक्ने, आपके एक्ने बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो आपकी स्किन को डैमेज कर देगा। तो ये आपके स्किन को पीएच को बैलेंस करके रखता है ताकि वो वहाँ पे वो अफेक्ट ना कर पाए और वो खत्म हो जाए। तो ये एक्ने एंड ब्लैक हेड्स को भी प्रिवेंट करता है, बिकॉज क्रीमी फेस जेल फेस वॉश है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने फेस को वेट करो, वेट करने के बाद इसको ले लो हाथ में और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है, रब करना है, मसाज करना है सर्कुलर डायरेक्शन में, गोल गोल घुमा के। तो आपने देखा है ककड़ी, ककड़ी को काट के और फिर ऐसे करते हैं तो उसमें से विष निकलता है, जहर निकलता है, कड़वापन निकलता है। सेम आप जब सर्कुलर डायरेक्शन में करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होता है और आपकी गंदगी बाहर निकल आती है। आपका एक्सेस सीबम को रिमूव करेगा, स्किन में जो ऑयली शाइनीनेस आती वो खत्म करेगा, साथ ही साथ आपको ये एकदम फ्रेश लुक देगा। इसको वॉश करना है आपको वार्म वाटर से, कोशिश करें वार्म वाटर से वॉश करने की, वो आपका खून का फ्लो भी बढ़ाएगा, सर्कुलेशन बढ़ाएगा। खून जब गर्म चीज़ कोई भी आप यूज़ करेंगे तो आपका वहाँ पर वैसोडाइलेशन होगा, जो खून का फ्लो बढ़ाएगा, जो अगेन आपको हेल्दी स्किन में हेल्प करेगा, हेल्दी स्किन के लिए। दूसरी बात, इसके साथ जो मॉइस्चराइजर आता है, इट्स अ वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल अगेन मॉइस्चराइजर है। इसमें क्यूकुम्बर है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल है एंड मैटिफाइंग माइक्रो पार्टिकल्स है। ये मैटिफाइंग इफेक्ट देता है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा, देखिए आपको जब भी कोई मॉइस्चराइजर आप मार्केट में ले रहे हो जो यूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा देखना है कि वो आपको कहीं कोमेडोजेनिक तो नहीं है। कोमेडोजेनिक मतलब आपके कोमेडोस तो क्रिएट नहीं कर रहा है, एक्ने और क्रिएट तो नहीं कर रहा है, वो और ज़्यादा स्किन को ऑयली तो नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, आपको पता नहीं होता, उसमें लिखा होता है कि एक्ने के लिए है या नहीं है, कोमेडोजेनिक है या नहीं, हमको पता ही नहीं होता, हम चेक ही नहीं करते। तो दिस इज़ नॉन कोमेडोजेनिक, आपको आपको मैटिफाइंग इफेक्ट देगा, एकदम एकदम शाइनी शाइनी लुक नहीं देगा ये। मतलब जो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप जनरल मार्केट में जो मिलते हैं वो लगाने के बाद एकदम से और ऐसा होता है ऑयल पोत लिया, वैसे चीज़ इसमें नहीं आएगी, मैटिफाइंग इफेक्ट देगा और साथ ही साथ आपके ये स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। और इसमें और इसमें और अच्छा क्या है मैं वो भी देख लेता हूँ। हाइड्रोलिपिड आपका बैलेंस सेम पूरा आपका लिपिड बैरियर को मेंटेन करेगा और स्किन को स्मूथ करेगा और सूथ करेगा, साथ ही साथ आपके इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करेगा और कोई भी इरिटेशन नहीं होने देगा। तो खैर ये तो इसके जितने भी अगर आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि मुझे एक्ने के इश्यूज़ हैं, तो आपको एक परफेक्ट जो किट होती है उसमें एक फेस वॉश होना चाहिए और एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए आफ्टर फेस वॉश लगाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 594 का ये है और 492 का ये है, बट ये बहुत लंबा चलेगा, मतलब बहुत कम यूज़ होता है और आई थिंक ये 100 ml का होगा, तो आप इसको आराम से 200 ml का है, तो आप अगर 1 ml भी डेली लगाते हो 200 दिन चलेगा, 200 डेज चलेगा। अगर आप 1 ml डेली लगाते हो तो ये 200 ml का है, आपको ये 200 डेज चलेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अपने एक्ने के अगर आपको प्रिवेंट रखना है, अपना फेस को बचा के रखना है, देखो एक बार एक्ने आ गए तो वो अगर नोडल सिस्टिक एक्ने है तो वो आपको गड्ढे छोड़ के भी जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपको आए उससे पहले आप उसको ख़त्म कर लो। तो आप अच्छी चीज़ें लगाएं, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। अगर आपको आपको एक्ने टेंडेंसी है तो आपकी रूटीन ऐसा होना चाहिए कि ये आपको चीज़ें रेगुलर यूज़ करें ताकि वो आपकी स्किन को। सो अगर बात करूँ कि एक्ने रिजिम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छे एक्ने रिजिम के लिए आपको अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए और एक मॉइस्चराइजर जो आफ्टर फेस वॉश यूज़ करना है वो बहुत अच्छे हो, जो आपके ट्रिगर पॉइंट को कंट्रोल करें, आपके सीबम है उसको कंट्रोल कर दें, आपके पी एक्ने बैक्टीरिया जो भी कॉजिंग फैक्टर है उन सबको ख़त्म कर दें। अगर कॉजिंग फैक्टर खत्म हो जाएंगे तो आपके एक्ने नहीं होंगे। देखो एक्ने सबको होते हैं बट आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपरली अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो आई थिंक ये आप बिल्कुल ट्राई करिए, लैरियल का एक्ने स्टॉप जो कि फेस वॉश भी है और मॉइस्चराइजर भी है, और इसके रिजल्ट्स आप मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में आप जाके बता सकते हो। ये ओशियन ब्यूटी इंपोर्टर है इसकी और ये आपको oceanbeauty.com पे मिल जाएगा, मैं इसकी लिंक भी नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेस कर सकते हो और एक बार लेने के बाद अपने एक्ने को दुशुम दुशुम कर देना।